और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दिया मैं, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी एक ही महीने के अंदर अंदर इन्होंने मुझे इस ओहदे से नवाजा, जबकि हमने 5-5, 7-7 साल बाकी पार्टियों में दिए हैं, तो हमें कभी गेट का टूल नसीब नहीं हुआ। ये देखते हुए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमारी इमेज कितनी है। मिसाल, एक आदमी है जो कंटेस्टेड एमएलए रह चुका हो और दूसरी बात है कि विनर भी रह चुका हो और उसको टूल भी नसीब न हो 10-10 साल तक, और ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी में आके 29 दिन के अंदर अंदर ही मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पुलडोड़ा के अंदर इस वक्त किस तरह का माहौल है, आज आपको ओहदा भी मिला? देखिए, पुलडोड़ा में इस वक्त ढोल धमाका चल रहा है और मैं वहां पहुंचने का इंतजार हो रहा है। जो ही मैं वहां पहुंचूंगा तो आप फिर वो वीडियो भी कवर कीजिए और मार्केट में डाल दीजिए। शक्ति राज परिहार जी ने मेरे साथ कि हम आपके जितने भी काम है उनको बनाने में हम आपके साथ चलेंगे, जहां जहां आपको कोई दिक्कत आएगी वहां हम आपके साथ है, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया। उसके बाद हम जोग दर जोग अवाम मेरे साथ आके हमने बीजेपी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज मुझे, मैं इनका तह दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज मुझे डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट दी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया ओबीसी का मुझे, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि चूंकि मैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गौतम। मेरे साथ इस वक्त शेख मुश्ताक साहब हैं और हाल ही में इन्होंने भाजपा का दामन थामा था नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के, और आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने जो वार्ड नंबर एक है यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का वार्ड नंबर एक पुलडोड़ा का इलाका है वहां के रहने वाले हैं, और इनके साथ लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सारे लोग निकल के आए थे, और इनकी जो मिसेज है वो वार्ड नंबर एक की काउंसलर भी है, एक्स काउंसलर है, और इनसे बातचीत होगी। आज इनको ओहदा दिया गया है ओबीसी का और काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आज आपको ओबीसी का ओहदा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो क्या बताना चाहोगे, कुछ दिन के बाद ही आपको ओहदा मिला? वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले 11 तारीख को मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था और आज महीना हो गया मेरे ख्याल में। इस महीने के अंदर अंदर ही शक्तिराज परिहार जी जो जिनके सामने मैंने ज्वाइन किया था, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय मोहन जी वहां मौजूद थे, बाकी भी बड़े ओहदेदार वहां मौजूद थे, मैंने ज्वाइन किया था। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, वो इसलिए किया कि हमारी कुछ मुश्किलें थी जो पिछले 5-7 साल से बिल्कुल बन नहीं रही थी, जबकि हम 2008 से प्रॉब्लम में थे। पुलडोड़ा वार्ड नंबर एक, उसमें 370-372 कुंबा जो है वो दरबदर है, आज भी दरबदर है, लेकिन कमिटमेंट की शक्ति राज परिहार जी ने मेरे साथ कि हम आपके जितने भी काम है उनको बनाने में हम आपके साथ चलेंगे, जहां जहां आपको कोई दिक्कत आएगी वहां हम आपके साथ है, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया। उसके बाद हम जोग दर जोग अवाम मेरे साथ आके हमने बीजेपी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज मुझे, मैं इनका तह दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज मुझे डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट दी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया ओबीसी का मुझे, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि चूंकि मैं कंटेस्टेड भी रहा हूं और विनर भी रहे हैं। 2008 में कंटेस्ट किया था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और 2018 में काउंसलर जीता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों आपने छोड़ा था कुछ दिन पहले और बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, हमने कांग्रेस को भी देखा है, एनसी को भी देखा है, इन्होंने हमारे जो पेंडिंग मसाइल थे उन पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं जाती तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आवाम भी देख रही है और आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हम किस मुसीबत में हैं वार्ड नंबर एक के लोग, लेकिन आज तक हमारी सुध लेने कोई भी वार्ड नंबर एक में नहीं आया। तो किस तरह के काम रहेंगे, आप ओहदा आपको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको बनाया गया ओबीसी का, तो किस तरह के काम रहेंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा? ये सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दिया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी एक ही महीने के अंदर अंदर इन्होंने मुझे इस ओहदे से नवाजा,
जबकि हमने 5-5, 7-7 साल बाकी पार्टियों में दिए हैं, तो हमें कभी गेट का टूल नसीब नहीं हुआ। ये देखते हुए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमारी इमेज कितनी है। मिसाल, एक आदमी है जो कंटेस्टेड एमएलए रह चुका हो और दूसरी बात है कि विनर भी रह चुका हो और उसको टूल भी नसीब ना हो 10-10 साल तक, और ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी में आके 29 दिन के अंदर अंदर ही मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें कुछ नई पार्टीज बनी है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, इसलिए चुना कि इनमें काम करने की नीयत अच्छी है, ये काम करने वाले हैं। देखिए, नशुकरी करना, मतलब काम होने के बाद शुक्रगुजारी न करना, ये भी एक बेवकूफी है। मेरी 62 साल एज है इस वक्त, और 62 साल की एज में मैंने पहली बार पुलडोड़ा भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में 22 घर बनवाए, दंगे दिलवाए, रास्ते बनवाए, खुद अपने घर का 62 साल के बाद रास्ता मुझे बना। ये बड़े अफसोस की बात है, आज तक क्यों नहीं बना? तो काम इन्होंने जो किए हैं उसके बाद बीमारों के लिए आपका ये मानना है कि काम बोलता है? काम बोलता है। अगर दिल्ली में मिसाल के तौर पे, चलो मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने डोडा की ही बात करूंगा कि काम जो है, काम पे वोट है। अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको छोड़कर किसी ऐसे आदमी को वोट दूं जो बात ही ना सुने, तो फायदा क्या है उस लीडरी का? यानी कि हमने आपका ये मानना है कि पिछली जो पॉलिटिकल पार्टीज रही है उनने आपका कुछ नहीं सुना है? अगर सुना होता तो हम दरबदर नहीं होते। अगर सुना होता पिछली पार्टियों ने जिनमें हमने अपनी उम्रें दी, तो हम इस वक्त दरिया के किनारे पानी में डूबते नहीं, हमारे बर्तन पानी में चले जाते हैं जिससे पानी चढ़ता है। हम दरबदर हैं, हमारे जिनाजे रास्तों से उठते हैं, हमारी डोलियां रास्तों से उठती हैं, ये मजाक की बात नहीं है। इस पर जब इन्होंने नहीं देखा तो मुझे बेहतर लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये इन सब चीजों को देखने का वादा इन्होंने किया है। पुलडोड़ा के अंदर इस वक्त किस तरह का माहौल है? आज आपको ओहदा भी मिला। देखिए, पुलडोड़ा में इस वक्त ढोल धमाका चल रहा है और मेरे वहां पहुंचने का इंतजार हो रहा है। जो ही मैं वहां पहुंचूंगा तो आप फिर वो वीडियो भी कवर कीजिए और मार्केट में डाल दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए मुश्ताक अहमद शेख साहब, जिनको आज ओहदा मिला और साफ तौर पे उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, क्यों भाजपा को चुनना पड़ा और पुलडोड़ा के अंदर जो हालात हैं, जो यहाँ के XMLA डोडा है शक्तिराज परिहार जी, उन्होंने बोला है कि इस हालात को सुधारा जाएगा और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाएगा। पुलिस न्यूज के लिए वसीम गोतू, डोडा।